अज आम आदमी पार्टी वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुहानू यह जानकारी देने लई बुलाई गई है कि आम आदमी पार्टी के परिवार के विच बहुत ही खास शख्सियत शामिल हो रही ने। हर रोज़ आम आदमी पार्टी का परिवार वड्डा हो रहा है, विश्वास लोगों का आम आदमी पार्टी के विच बढ़ रहा है। उस सिलसिले के विच अज तुहानू असीं इत्थे बुलाया है। अज दो अजिहियां शख्सियतां जिहड़ियां जिन्हां बारे तुसीं लगभग पहलां तों जाणदे हो, श्री लाली मजीठिया जी, जिन्होंने बहुत वड्डी लड़ाई अपने परिवार दियां गलत एक्टिविटीज़ प्रति लड़ी और इन्होंने बहुत वड्डा घोल किया, बहुत वड्डी जंग की उन्होंने नाल, इन्होंने हार नहीं मनी। लाली मजीठिया जी बारे मैं कुछ कहां, शायद ये चंगा नहीं होगा क्योंकि तुसी सारे जानते हो, तुहाडे माझे दे तुसी सारे पत्रकार अनेक बार इन्ह माइकां इन्ह कैमरियां विच दी तुसी उन्हां दे बयानात नूं दुनिया के सामने नशर करते रहे हो। लाली मजीठिया जी अपने बहुत सारे साथियों समेत जिन्हां दे विच बलजिंदर सिंह ढिल्लों ने जिहड़े कि तरन तारण तो जिहड़े कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के विच बहुत उच्चे अहुदे ते रहे, प्रभात दे विच क्योंकि वर्किंग कमेटी उन्हां दी भंग हुई हुई है, नहीं बनाई ते ओ कांग्रेस के सिरकट लीडर ने, मजीठिया जी दे लाली जी दे बहुत साथी ने, ब्लाक समिति के चेयरमैन ते होर बहुत सारे साथी जिन्हें भी लाली मजीठिया जी नाल आए ने सी, अरविंद केजरीवाल जी वालों पंजाब की टीम वालों उन्हां दा स्वागत करते हैं। अस्तीफा देने तो बाद लाली जी की अरविंद केजरीवाल जी नाल मीटिंग हुई सी, विचार वटांदरे खुल के होए, सो अज उस सिलसिले च अज रस्मी कार्रवाई जिहड़ी है शामिल होने की इत्थे सामने की जा रही। मैं स्वागत करदा उन्हां दा, उन्हां दे साथियों दा, और सानू उम्मीद है कि उन्हां दे तजर्बे दा साडी पार्टी नूं बहुत फायदा मिलेगा। दूजे नंबर ते मैं कहूँगा कि साडे फरीदकोट तो जिन्हां दा नाम भी साधु है ते सुभाव भी साधु है, प्रोफेसर साधु सिंह जी जिहड़े कि साडे मेरे नाल साथी रहे 16वीं लोक सभा दे विच फरीदकोट तो, उन्हां दी बेटी जो कि बहुत फेमस आई सर्जन है, सरकारी नौकरी छड़ के उन्होंने भी अपने पिता जी वांग समाज सेवा का फैसला लिया, आम आदमी पार्टी के शामिल होके डॉक्टर बलजीत कौर। इन्हों जो तुम सुनोगे तो मुकसर के इलाके जाओगे तो बच्चा बच्चा इन्हों के नाँ तो जाणूंगा क्योंकि समाज सेवा च बहुत वड्डा नाम है, बहुत सैकड़े हज़ारा ऑपरेशन अखा दे गरीबां दे इन्होंने फ्रीज किते ने, ते बहुत फेमस आई सर्जन ने पंजाब दे डॉक्टर बलजीत, वो साडे दरम्यान पहुँचे ने, वो भी अपनी नौकरी छड्ड के पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हों का भी वेलकम करते हैं। मैंटर समझते हैं असी तो प्रोफेसर साधु सिंह जी को सीध लेंदे रहने असी इन्हों तो। देखो यही फर्क है आम आदमी पार्टी का दूजियां का, साढ़े को नौकरियां छड़ के डॉक्टर आ रहे हैं, पत्रकार साढ़े शामिल हो रहे हैं, IRS अफसर खुद केजरीवाल साहब ने, कलाकार भी शामिल हो रहे हैं, समाज का हर वर्ग जोड़ा वो चाहता है कि आम आदमी पार्टी जाके
आप समाज की सेवा करिए, पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाने की लड़ाई जी है वह जीती। और मैं धन्यवाद करदा राघव चड्डा जी का, जिहड़े सह इंचार्ज ने पंजाब के राजनीतिक मामलों के, एम एल ए तलवंडी साबो मैडम बलजिंदर कौर जी का, और साडे एल ओ पी साहब हरपाल चीमा जी, और जिनी भी साडी अमृतसर की पूरी टीम आई ने, पूरी टीम जी अहदेदार साहबान ने, सारे का मैं धन्यवाद करदा। तो उम्मीद करदा मैं कि इन्हां दे तजर्बियां दा सानू फायदा मिलेगा, और आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, हजे बहुत सारे होर वख वख वर्गों के लोग आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों आएंगे। आम आदमी पार्टी के परिवार में लाली मजीठिया साहब, डॉक्टर बलजीत कौर के साथ साथ बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के सीनियर मोस्ट अहदेदार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गुरबख्श सिंह जी जो इस समय बीएसपी के पंजाब स्टेट लेवल के जनरल सेक्रेटरी हैं, और अमृतसर नॉर्थ से बीएसपी के 2022 के इलेक्शंस के अनाउंस्ड कैंडिडेट थे, वो आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम, सविंदर सिंह जी छज्जल वड्डी जो बाबा बकाला से 2017 के इलेक्शन में कैंडिडेट थे और जनरल सेक्रेटरी हैं बीएसपी पंजाब के, प्रहलाद सिंह जी जो बीएसपी आईटी विंग में अहदेदार हैं, रिटायर्ड डीएसपी पंजाब पुलिस, खजान सिंह जी जो डीएसपी पंजाब पुलिस रिटायर्ड हैं अटारी हलके से, हरभजन सिंह रिटायर्ड एसडीओ बिजली बोर्ड, राम सिंह रिटायर्ड बिजली बोर्ड जेई, जगतार सिंह सेक्टर प्रेसिडेंट बीएसपी, कई सारे आज बीएसपी के बड़े बड़े अहदेदार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और जैसा कि मान साहब ने बताया, आज मजीठा हलके से आम आदमी पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी जो अकाली दल और कांग्रेस के बीच में सेटिंग चलती थी, कॉम्प्रोमाइज चलता था, उस सेटिंग और कॉम्प्रोमाइज को तोड़कर एक मजबूत प्रत्याशी देगी, ताकि विक्रम सिंह मजीठा और मजीठा हलके के विधायक जो हैं अकाली दल से, उनको हराकर आम आदमी पार्टी मजीठा हलके में भी अपना झाड़ू लहराएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि लाली मजीठिया साहब मजबूती से इलेक्शन लड़के ये सीट आम आदमी पार्टी की झोली में डालेंगे। आज तुहाडे सामने असी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीती है, साडा मेन मुद्दा ये सी कि असी बिल्कुल सफोकेटेड फील कर रहे सीगे कांग्रेस पार्टी दे विच, जिथे मैं 44 साल दे करीब उत्थे सेवा कीती, पर साडा मुल नहीं पिया। और विशेष तौर पर मैं जो दसना चाहूँगा कि 1977 दे विच मैं ब्लॉक यूथ कांग्रेस का प्रधान सी मजीठा का, उस उपरंत वख-वख अहुदिआं ते रहा, और 2007 दे विच पहली बारी विक्रम सिंह नाल मेरा मुकाबला होया। जिवें मेरे तो पहलों मान साहब ने दस्या कि सारिआं दीआं उहनां दीआं आपस दे विच रिश्तेदारियां ने, और रल के इलैक्शन लड़े गए, जिथे मिथ के फिक्सड मैच एक कीता गया, जिथे मैनू हराया गया। उस उपरंत 12 दे विच जदों इन्हां मैनू टिकट नहीं दित्ती, मेरे साथियों ने मैनू आजाद खड़ा कीता, और पार्टी दी 7000 वोट सी, साडी 28000 वोट सी। ये सारे मेरे साथी जिहड़े ने उहनां नाल सलाह मशवरा करन उपरंत असी अज ये फैसला कीता कि आम आदमी पार्टी दे विच मेरे नाल बलजिंदर सिंह ढिल्लों जी, वह भी अज तुहाडे सामने इन्हां ने ज्वाइन कीता, कि तरन तारण तो भी, और इन्हों का वाइस प्रैजीडेंट पहला रह चुके ऑर्गेनाइजेशन, जिमें इन्होंने अपना श्री भगवंत मान जी ने दसिया। सो मैं इन्ना ही कहना चाहूँगा कि मेरा कांग्रेस के छड़न के कुछ कारण सी, जिहड़े बहुत कारण सी, पर उन्हां दे विच्चों जिहड़े जो कारण सब तो वध जिन्हां ने मन ते ठेस पहुँचाई, वो सी बेअदबियां दा मामला, ड्रग्स दा मामला, तख्त दमदमा साहब वाली साइड ते मूँह करके और गुटका साहब ते हथ रख के उस वेले दे कांग्रेस दे प्रधान
उन्होंने कहा कि नशा असी 4 हफ्तों खत्म करांगे और नशा अज तक खत्म नहीं हो सकया। इस तरह उन्होंने अपना आपसी काटो कलेष, जे तुसी एक दे जां दूसरे दे नाल जे कोई गलबात करो तो दूसरा नाराज, एक ना करो तो तीसरा नाराज। और ये एक जहा सीगा जिथे वर्कर बड़ा दुबदा दे विच सीगा। और मैं नाले भी कहना चाहवांगा कि जिहड़ा बिक्रम सिंह आ जिहड़ा कहिंदे सी वड्डियां मछलियां ही फड़नियां, वह भी जदों मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्होंने जदों उतों एक कहा कि किसने रोकया इत्ते FIR करन तों जां क्यों नहीं इन्हां नूं अज तक इत्ते कोई केस इन्हां दे इहदे ते कोई कार्रवाई होई, तां फिर FIR तां लॉज कर ली गई पर समझ नहीं आउंदी कि किहड़े असमान च जां जमीन दे विच लुकिया कि अज तक फड़िया नहीं जा चुका। यह भी शक दे दायरे दे विच आउंदा। सो ये कुछ इहो जे मैं तुहाडे नाल तथ जिहड़े आ उह सांझे करने चाहुंदा सी, जिस करके मैं अज और मेरे साथी जिवें बलविंदर सिंह जी मरड़ी चेयरमैन ने मार्केट कमेटी मजीठा दे, अज असी सारे अपने साथियों नाल सलाह करन उपरंत आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होए हाँ। और सही बहुत बहुत धन्यवादी हाँ साडे अपने नैशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी दे जिन्होंने सानू शामिल किया और पर्सनली मिलके उन्होंने सानू इहदे विच पार्टी दे विच शमूलियत का जिहड़ा आ उह वादा किया। और उह सारा कुछ सामने नज़र रखते हुए अज असी इस पार्टी नू जॉइन किया और असी तुहानू विश्वास दिवाउने आ जिवें मेरे साथियों ने जिहड़े नवे साथी ने मेरे इन्होंने जिवें कहा असी मजीठे हल्के दे विच कोई कंप्रोमाइज़ की लड़ाई नहीं होएगी। उत्थे लड़ाई हमेशा मैं कदी ना कंप्रोमाइज़ करना सिखिया, जदों लोड़ पई 44 साल पार्टी जिहड़ी नू सर्व किया उहनू ही छड्डन की लोड़ पई तो मैं सिर्फ इस करते छड्डी कि मैं किसी कंप्रोमाइज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहुंदा। तो अगर मेरे प्रेस के वीर जिन्हें हमेशा मेरा साथ दिता मेरी लड़ाई दे विच पिछले कोई सीधे तौर पर जे लाइए तो 15 साल तो उन्हों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ।